हाय हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो वी बीन टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इन माय प्रीवियस वीडियोस। आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो आ जाते हैं लाइफ में कुछ लोगों की, जब वो गुजरते हैं किसी ट्रॉमा से। ट्रॉमा ट्रॉमा क्या होता है? सो ट्रॉमा ऐसे ही होता है जैसे आपकी लाइफ में आपने देखा होगा अक्सर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, इसी तरह कुछ लोगों की ज़िंदगी में मेंटल ट्रॉमाज आ जाते हैं, दिमागी या जहनी हादसात, किसी अपने का छोड़ जाना, किसी अपने की डिमाइस मौत वाक़या हो जाना, किसी ज़्यादती का शिकार हो जाना। अब वो ज़्यादती किसी भी किस्म की हो सकती है, इट कैन बी इमोशनल अब्यूज़, इट कैन बी फिज़िकल अब्यूज़, इट कैन बी सेक्चुअल अब्यूज़। किसी ऐसे ख़ानदान में, किसी ऐसे घर में परवरिश पाना जहाँ पे आपको हमेशा दबा के रखा गया, आपको हमेशा टॉर्चर किया गया इन वन वे और दी अदर, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया गया इन वन वे और दी अदर। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज ट्रॉमास एंड एनी थिंग एल्स दैट माइट डिस्टर्ब यू थ्रू आउट, that pinches you in the back of your mind. You ask Allah ji, why this happened? You ask God, why it happened? आप question करते हो बार बार, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और आप उस चीज़ को भुलाना चाहते हो और आप भुला नहीं पाते हो। तो ऐसे हर हादसे को हम ट्रॉमा कहते हैं, जो ऐसा हादसा कि जो जिसमें बहुत बड़ा क्रैश नहीं हुआ, बहुत लोग इकट्ठे नहीं हुए, जो दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला छोड़ गया, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गैप छोड़ गया। अक्सर ऐसे होता है कि आपको पता नहीं होता आपकी पर्सनैलिटी में कुछ फॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो और छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हो। अक्सर ऐसे होता है कि आपको पता नहीं होता लेकिन आप बहुत फील कर रहे होते हो, छोटी सी बात होती है, मम्मा ने डांट दिया, आपने बहुत ज़्यादा फील कर लिया एंड यू आर फीलिंग लाइक उफ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे मम्मा ने क्यों डांटा, मेरी तो इतनी गलती भी नहीं थी, मुझे डांट पड़ गई, उफ 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 उफ। सो दैट माइट बी योर ट्रॉमा। वो रीज़न नहीं होती उस टाइम पे, आपको मामा ने डांटा, इट इज़ समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग, बट स्टिल जो आपने इतना ज़्यादा फील किया उसके पीछे हमेशा एक रीज़न होती है, देर इज़ अ डीप रीज़न बिहाइंड इट, देर इज़ ऑलवेज अ रूट बिहाइंड योर एवरी बिहेवियर। आपके हर बिहेवियर के पीछे एक रीज़न होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये वीडियो बनाने की रीज़न क्या है, मेरा ये बिहेवियर शो करने की रीज़न क्या है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंड द स्टीरियोटाइप। मैं सोसाइटी में साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत नॉर्मलाइज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हम लोग डॉक्टर के पास बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मल तरीके से चल जाते हैं, हमें कोई बीमारी हो हम फौरन भागते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास, इसी तरह हमें डिस्ट्रेस हो, हमें प्रॉब्लम हो, मेंटल इशू आ रहा हो, तो हम भागते हुए जाएँ साइकोलॉजिस्ट के पास, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट के पास। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और क्यों? क्योंकि अब नहीं तो कब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस थ्रू द ईयर्स ऑफ माई लाइफ बीइंग अटैच्ड टू दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। आई हैव रियलाइज्ड इट कि अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। वाई नॉट कम टू अस व्हेन द प्रॉब्लम इज जस्ट स्टार्टिंग? यू कैन कम टू अस एंड वी कैन निप द ईविल इन द बड एंड द प्रॉब्लम कैन एंड देयर राइट देन एंड देयर। सो इफ़ यू फेस एनी ट्रॉमा इन योर लाइफ रिसेंटली, आपके किसी दोस्त ने धोखा दिया, आपके प्यार ने धोखा दिया, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आया, आपकी मैरिटल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आया, आपको डिवोर्स हुई, आपके किसी अपने की डेथ हुई, ऐसा कोई भी और प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आया है, तो ट्रस्ट मी, यू नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन सेक। Do keep this in mind and do pray for everyone, और खुश रहें और mental health को promote करने की कोशिश करें। Do like this video, do share it with the people so that mental health can prevail, good mental health can be promoted, and the stereotype that we must not go to a psychologist must be ended. Thank you so much, keep watching, keep sharing, and do not forget to press the bell icon so that you can get the notification for the new videos. Bye bye.